अस्सलाम वालेकुम। आज के संगीता लेक्चर्स में हमारा सातवां जो लेक्चर है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन खुद है क्या। फ्रैक्शन इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो उसका इनकम्प्लीट पार्ट हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शन के टाइप्स दिए गए हैं, टोटल फ्रैक्शन के चार टाइप्स है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, और चौथा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में और उनके शेप्स के बारे में और डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो डेट अ फ्रैक्शन is a proper fraction if its numerator is less than its denominator, जिसका numerator छोटा हो और denominator बड़ा हो उसे हम fraction proper fraction कहते हैं। जैसे example हो गया 2/3, 1/4, 5/6, कोई भी example ले लिया, लेकिन जो ऊपर वाला number होता है उसे हम numerator कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, पहला हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है जिसका न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होता है और डेनोमिनेटर बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं शेप की, तो इनकी प्रॉपर फ्रैक्शन की शेप कैसे बनेगी। ठीक है, हमें जितने नीचे नंबर दिए गए हैं, जैसे हम नीचे नंबर देखते हैं, नीचे नंबर क्या दिया गया है, 3 दिए गए हैं, तो हम कोई भी शेप बनाएंगे उसमें 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 खाने बनाएंगे, और ऊपर जितने नंबर दिए गए हैं उतने हम अंदर फिल करेंगे। ऊपर 2 दिया गया है, हम 2 फिल करेंगे, 2 बॉक्स फिल करेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की शेप कैसे बनती है, ऊपर जो भी नंबर दिए गए हैं उतने बॉक्स को हमें फिल करना है और नीचे टोटल हमें उतने बॉक्स बनाने हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं 1/4, कोई भी शेप बना लो लेकिन उसके अंदर 4 होने चाहिए बॉक्स। यह मैंने शेप बना लिया है, नीचे जितने नंबर दिए गए उतने मैंने बॉक्स बनाए हैं और ऊपर जितने नंबर दिए जाएंगे उतने हम फिल करेंगे। अब ऊपर कितने दिए गए, 1 दिया गया, हम सिर्फ 1 बॉक्स फिल करेंगे। ये एग्जांपल होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसके अलावा 5/6, हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं, उसके अंदर खाने 6 बनाते हैं। ये हमने 6 बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बॉक्स बना लिए और हमें फिल कितने करने हैं, 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 ही हमने क्या कर दिए, फिल कर दिए, 1 को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हमें टोटल 5 को फिल करना है और बॉक्स टोटल 6 बनाने हैं। ये हमारा एग्जांपल हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। दूसरा नंबर हमारा फ्रैक्शन का टाइप्स कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या जिसका न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम हो उसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया 5/2, या इसके अलावा 7/5, और इसके अलावा 3/1। ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हमेशा न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डेनोमिनेटर छोटा होता है। अब बात करते हैं शेप की। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि नीचे जितने भी नंबर दिए गए हैं हमें उतने शेप बनानी है और ऊपर जितने भी नंबर दिए गए उनको हमें फिल करना है। ठीक है, अब हमें नीचे 2 दिए गए हैं, 2 हमने बॉक्स बनाए उसके अंदर
दो दो बॉक्स बनाए, दो शेप बनाई, दो दो बॉक्स बनाए। अब हम इसे फिल करेंगे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। क्या ये चार पूरे हो रहे? नहीं, हमें कितने फिल करने? फाइव करने। तो हम एक और बॉक्स बनाएंगे, उसके भी अंदर खाने दो ही होंगे क्योंकि हमें नीचे नंबर दो दिए गए हैं। अब हमें इस एक को फिल करेंगे। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के पाँच फिल हो गए। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं। कोई भी शेप बनाओ, उसके अंदर खाने कितने होने चाहिए? फाइव होने चाहिए। ए वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ये मैंने अभी दो बॉक्स बनाए, हमें कितने फिल करने चाहिए? सेवन फिल करने चाहिए। ये पाँच है, पाँचों के पाँचों को हम फिल करेंगे। ये तो पाँच हो गए, हमें कितने फिल करने? सात फिल करने। दो यहाँ से और फिल करेंगे, पाँच और दो सेवन हो गए, फाइव और टू सेवन हो गए। ये हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से समझे, नीचे जितने भी नंबर दिए गए हैं उतने हम बॉक्स बनाएंगे और उनके अंदर भी खाने उतने ही बनाएंगे, लेकिन ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उतने हमें फिल करने। पहले हमें दो दिया गया था, हमने दो के बॉक्स बना लिए, इसके अलावा दो तो फिल नहीं हो रहे थे फाइव में, इसलिए हमने दो और बॉक्स बना लिए। अब ये फोर हो गए, फोर के अलावा हमने दो और बॉक्स बना लिए, उनमें से एक को फिल किया और ये फाइव कंप्लीट हो गए। इसके अलावा हम लास्ट को एग्जांपल को देखते हैं, थ्री अपॉन वन। अब हमने एक बॉक्स बनाया, नीचे हमें खाने उतने देने जितने यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। वन हमने वन वन में अब फिल करेंगे, क्या ये थ्री कंप्लीट हो रहा है? नहीं, एक और बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया? नहीं, दो हो गए, एक और बनाएंगे थ्री, इसे भी हम कंप्लीटली कलर करेंगे। तीनों को कलर कर दिया, तीन बॉक्स बनाए, ऊपर कितने फिल करने थे? तीन, हमने तीन फिल कर दिए, लेकिन खाने अंदर कितने होने चाहिए बॉक्स? एक होना चाहिए, हमने एक ही बनाया है। ये हमारा क्या हुआ? हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है। अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें, जैसे टू अपॉन टू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तब क्या करेंगे हम? तब आप बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर भी दो खाने होंगे। हमें फिल कितने करने? दो, हम इन्हीं को ही फिल कर देंगे। हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। याद रहे कि अगर कहाँ पर भी टेस्ट में ये सवाल ज़रूर आता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करेंगे, कौन सा ये फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, तब आप कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसके अलावा हम तीसरे पर आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड से मालूम होता है कि मिला हुआ। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन दूसरा नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इसमें क्या होता है, जैसे थ्री होल वन अपॉन फोर, थ्री होल वन अपॉन फोर, इसमें थ्री होल आता है। होल मतलब पूरा नंबर, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल मीन्स पूरा नंबर, और इसके अलावा वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर कौन सा आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। अब इसकी हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम सबसे पहले हमें देखना है थ्री, हमने थ्री देखा है। थ्री में क्या होता है कि जितने हमें नंबर दिए गए हैं, थ्री हो, टू हो, फोर हो, फाइव हो, उतने नंबर्स को हमें फिल करना है और बनाने भी है शेप। दो तीन, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको जहन में ये रखना है कि नीचे जितने नंबर दिए गए हैं उतने आपको इनमें बॉक्स बनाने हैं। नीचे कितने दिए गए हैं? फोर, आपको फोर बॉक्स बनाने हैं।